नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नावा सिटी सॉल्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश जादव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद आसव से डिटवाना में मीटिंग कर नावा नमक मंडी की नमक से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए अवगत कराकर ज्ञापन दिया। इस दौरान सॉल्ट डेवलपमेंट एवं वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष दिनेश जादू, उपाध्यक्ष प्रभु सिंह राठौर, सचिव दीपक मोदी, सह सचिव सुशील अग्रवाल, मीडिया प्रभारी जगदीश छापोला, कानूनी सलाहकार एडवोकेट आनंदीलाल कुमावत, विजेंद्र सिंह राठौर, गौतम खंडेलवाल, प्रकाश मोदी, रवि चौधरी, दिलीप मोदी, नटवर कुमावत आदि मौजूद रहे। रिंग बना रही है उसके अंदर सांबर साल्ट, जो झील के अंदर किसी किसी नमक काश्तकार ने बोरिंग कर लिया है उसको तुड़वा रही है, लाइट के कनेक्शन कटवा रही है, जबकि सांबर साल्ट ने तो खुद ने सिवायचक भूमि पे रिफाइनरी कर रखी है, जिसकी नावा तहसीलदार ने कार्रवाई की है, पूर्व में जिला कलेक्टर साहब ने भी नोटिस दिया है, परंतु सांबर साल्ट की इतनी ज़्यादा बेदखली हो गई कि सरकारी भूमि पर कब्जा करना, वहाँ अवैध निर्माण करना और झील का स्वरूप खराब करना, ये सब चीज़ें सांबर साल्ट लंबे समय से कर रही है। और सांबर साल्ट ने तो झील को ऐसा बना दिया जिधर से जैसे मान लो पानी आ रहा है, नदी है और है, पानी आ रहा है उधर से, तो उधर से पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी आना रोक दिया सांबर साल्ट ने, तो बिल्कुल झील का स्वरूप ही खराब कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि भाई झील संरक्षित रहे, झील बचे, झील में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं हो, झील में किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं हो। इस प्रकार की हम समस्याएं लेकर जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और हम हमारी समस्याएं जिला कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे।